वित्तीय बाजार में आईटी का सहारा है और आईटी स्टॉक्स में एक है जो खूब जमा है आज तेजी में, वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। वैसे शुरुआत इसकी करीब करीब 9-10% की तेजी के साथ हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से स्टॉक हुआ है हल्का क्योंकि मार्केट में कुछ मुनाफा वसूली आ रही है। तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, डॉलर आए थर्ड क्वार्टर में और रुपी रेवेन्यू करीब 3% बढ़ी है, मुनाफा करीब 9% बढ़ के आया, एबिटा मार्जिन 10% के आसपास रहे हैं। बोर्ड ने एक शेयर को दो में विभाजित करने की भी मंजूरी दे दी है। अब हमारे साथ डिटेल में बातचीत करने के लिए सुनील सप्रे हैं, जो कंपनी के दरअसल है CFO। सप्रे जी, स्वागत है आपका। एक और अच्छा क्वार्टर, मोमेंटम क्लियरली बना हुआ है, कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है, क्या मदद कर रहा है आपको इस समय, अगर उसका अंदाजा पहले दे सके? We continue to work on this building the revenue momentum. जैसे आपने देखा होगा last quarter में हमने अच्छे deal wins announce किए थे, so ये deal wins का ramp up ये quarter में हुआ है। ज़्यादातर से healthcare जो हमारा segment है उसमें 16.6% quarter on quarter revenue growth आई है, और banking financial services जैसे आप जानते हैं कि ये quarter furlough का quarter रहता है, लेकिन फिर भी उसमें जो dip है वो बहुत कम है, 0.7% की dip है, क्योंकि उसमें भी पहले क्वार्टर में जो डील विंस हुए हैं वो भी रैंप अप हुए हैं। और जो हमारा तीसरा सेगमेंट है हाईटेक, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर और हाईटेक हम जो बोलते हैं, उसमें भी स्टेडी है, मतलब इट इज नॉट समथिंग विच हैज बीन इम्पैक्टेड बाय फर्लो बिकॉज ऑफ अदर डील विंस। सो ये तीनों को लेके टोटल ग्रोथ ऑफ 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज व्हाट वी हैव क्लॉक्ड दिस क्वार्टर। आपकी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंड्स पर है, और जितनी भी हमने आपके पीयर्स से बात की है उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कुछ पिकअप नहीं देखने को मिला है। आपके केस में कंसिडरिंग अच्छा खासा एक्सपोजर रखते हैं, डिमांड एनवायरनमेंट में कुछ बेहतरी के साइंस हैं या फिर अभी भी कुछ डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है क्लाइंट्स के बीच? देखिए, लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अनसर्टन रहा है, और उसके 2-3 कारण हैं उसमें, कि एक तो है कि रिसेशनरी जो हवा है उसके चलते, जियोपॉलिटिकल यू नो रीजंस को चलते, क्लाइंट्स हैव बीन वेरी कॉशियस। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोविड टाइम में आईटी स्पेंड हुआ उसके ऊपर क्लाइंट्स आर वर्किंग ऑन गेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो उन्होंने जो क्लाउड और ये सारे टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी डिलीवर्ड। और तीसरी बात है, ये जनरेटिव एआई जो है उसको चलते भी क्लाइंट्स आर ऑल्सो वॉचफुल अबाउट लॉकिंग इन टू अरेंजमेंट्स यू नो विच बेक इन द प्रोडक्टिविटी गेन्स दैट मे कम इन फ्यूचर। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल जो है, सेल्स साइकिल इलॉन्गेट हो जाता है, और ये कारण है जो चालू रहेगा एक और 2-3 क्वार्टर्स के लिए। आई डोंट सी कि एकदम से कोई डिमांड एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। जहां तक डिस्क्रिशनरी स्पेंड की आपने बात की वो बराबर है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड डेफिनेटली क्लाइंट्स बहुत ही कॉशियसली देखते हैं उसको, लेकिन हमारा जो प्ले है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये दो चीजों में चेंज हुआ है कि हमने लॉन्ग टर्म डील्स over last several quarters we have signed. So that is one benefit that we are getting, that multi-year deals are you know clocking in revenue on a ongoing basis. तो pipeline कितनी मजबूत हो रही है, looking at the deals that you've kind of signed, क्या उसमें pickup देखने को मिल रहा है? See, जहां तक current visibility का सवाल है, ये environment कोई ऐसा ग्रीन शूट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कि क्लाइंट्स आर लिटिल मोर विलिंग टू डिस्कस 2024 बजट्स दे आर जस्ट वर्किंग ऑन। तो शायद ये क्वार्टर यू नो क्वार्टर एंड तक थोड़ी अच्छी इंडिकेशंस मिलने की गुंजाइश है, लेकिन अभी करंटली जो आपने कहा डील कन्वर्जेंस आर टेकिंग लॉन्गर, यू हैव टू वर्क ऑन अ बिगर फनल, वो अभी भी चालू है, वो दैट इज स्टिल होल्डिंग द वे इट इज। एंड इसके लिए आपने देखा होगा हमारा सेल्स और मार्केटिंग जो स्पेंड है वो काफी ज्यादा है करंटली, ओवर लास्ट से 9 months वी हैव इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड दैट्स द रीजन दैट यू सी दैट द मार्जिन इज
14.4%, जो हमारा 9 month का EBIT मार्जिन है, कंपेयर टू 14.8%। सो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस द मार्केट इन अ मैनर दैट वी वेयर वी सी द अपॉर्चुनिटीज, वी आर गोइंग एग्रेसिवली आफ्टर देम, बट वी आर टू स्पेंड लिटिल मोर ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर रियलाइजिंग द ग्रोथ विच इज द रियालिटी ऑफ द करंट मार्केट। ओके, तो यू परहैप्स हैव टू चेज मोर पीपल टू गेट द डिजायर्ड ग्रोथ एंड एक्चुअली गेट दोज डील साइन। अच्छा सप्रे साहब, आपने इनफैक्ट स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रैशनल क्या था? क्या आप अपने स्टॉक को और अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं रिटेल निवेशकों के लिए, या फिर इसमें कुछ और भी है? जी, इट इज मेनली फॉर मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। यू नो, जैसे प्राइस एक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स समटाइम्स फाइंड इट अनअफोर्डेबल, सो दैट इज द मेन रैशनल फॉर स्प्लिट। सप्रे साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज का आपका स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, 9% ऊपर खुला था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट में दबाव आया तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और दुरुस्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए, और फिर ओवरऑल रिटर्न्स की भी स्थिति आपके सामने करेंगे पेश।